दीक फ्राम आई बी एड्स आज की मेरी ये वीडियो तमाम ए लेल्स के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल एम बी बी एस और बी डी एस के लिए अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए तो इन तमाम लोगों को कुछ चीज़ों का आ, कुछ फेजिस से गुजरना होता है और वह फेजस क्या होते हैं पहली चीज़ आपके पास इक्वल सर्टिफिकेट बनाना होता है और सर्टिफिकेट ओ लेवल्स का अक्सर मैं स्टूडेंट से क्लास में अगर मालूम करता हूँ तो फिफ्टी परसेंट के पास होता है फिफ्टी परसेंट के पास नहीं होता वो भी इंतजार कर रहे होते हैं कि हम आ, ये ओलेवस उल, की इक्वलेंसी अभी अप्लाई करेंगे तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग सब जो हैं वो ओलेवस की इक्वलेंसी अप्लाई करें और जल्द अज जल्द ये ओलेवस का सर्टिफिकेट अपने पास रखें दूसरी चीज़ आती है एलवस तो की इक्वलेंसी तो इक्वलेंसी के लिहाज से अक्सर डो की राय यही है कि Uh, अगर आपको पाकिस्तान में मेडिकल में एडमिशन लेना है तो आप एल्स आपने गलत कर लिया है आपको एफएससी करना चाहिए था ऐसा uh, ही है मेरी सजेशन भी कुछ इस तरह से है मेरा ख्याल भी ऐसे ही है लेकिन लास्ट ईयर शफक़त महमूद साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा काम किया और जिस हद तक वो सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने वो सपोर्ट की आई से उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट दी और उसको एक्सेप्ट करवाया कि आपका जो 90 परसेंटेज का कैप लगता है आ, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स में कि जब इक्वलेंसी बनती है 90 परसेंट का जो कैप लगता है वो कैप हटा दिया जाए और आपका भी इंटर के लिहाज से जैसे यहाँ इंटर के मार्क्स होते हैं नाइन्टी वन परसेंट तो उस लिहाज से आपकी भी इक्वलेंसी हो ए स्टार आपका ये ना हो कि ए स्टार है तो आप नाइन्टी पर रुक जाएंगे तो अब ऐसा ही है इस साल की जो आपका एडमिशन पॉलिसी एडमिशन क्राइटेरिया होगा इनशाला उसके अंदर ये इसी तरह से यूज़ किया जाएगा तो आप ओलोस की क्वलेंसी बनाएंगे उसमें भी ए, ए स्टार आपका 90 पे कैप नहीं होगा बल्कि वो 91, 92, 93 वो किस लिहाज से होगा इन मेरी इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर भी कुछ देर में आ, नजर आएगा कि आई की अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ मौजूद है जाके अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं आप कि किस सब्जेक्ट्स में आपको ए स्टार पर नाइन्टी फोर नाइन्टी थ्री नाइन्टी टू नाइन्टी वन मार्क्स मिलेंगे तो ये स्क्रीन पर भी इस वक्त शो हो रहा है ठीक है तो ए लेवल्स के लिए भी ऐसे ही है और ओ लेवल्स में भी ऐसे ही है तो ओ लेवल्स की इक्वलेंसी तो फॉरन बन जाएगी ए लेवल्स की इक्वलेंसी जो लोग इस साल मई जून में पेपर दे रहे हैं आ, वो पेपर देने के बाद जब उनका रिजल्ट आएगा अगस्त में तो उसके बाद वो इक्वलेंसी के लिए अप्लाई करेंगे देन उनके पास वो इक्वलेंसी बन के आएगी जब तक आपके ओ लेवल्स की इक्वलेंसी ही इस्तेमाल होगी तो एक तो ये चीज़ थी कि इक्वलेंसी के अंदर जो चेंज आता है जिसकी वजह से आपकी मैरिट पोजिशन एफ के स्टूडेंट्स के साथ इंटर के स्टूडेंट के साथ कम हो जाती है और आपको एडमिशन में मेरिट पोजीशन में मुश्किल होती है कंपटीशन कॉम्पिटिशन आपका जो है टफ हो जाता है तो इन इस साल जो है वो इस सिचुएशन में आपको इतना ज़्यादा हर्डल महसूस नहीं होगा जैसे लास्ट ईयर्स में हुआ तो एक चीज़ तो ये आपके सामने दूसरी चीज़ ये कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं जैसे कि अगर आप अंडर एटीन हैं तो फिर आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए जो बना के रखना है आपने आपके पेरेंट्स के साथ डोमिसाइल होता है वो डोमिसाइल आपका होना ज़रूरी है तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर एलेवल्स के स्टूडेंट जो हैं उनको ये अवेयरनेस नहीं होती किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो वो डॉक्यूमेंट्स मिस कर जाते हैं और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि जब हम एम डी कैट देते हैं एलेवस तो अभी आप दे रहे होंगे इन शाला वो आपका बहुत अच्छा होगा अभी मई जून में आपका पेपर है तो अल्लाह से दुआ भी है कि आप लोगों के लिए आसानी हो आ, ये पेपर देने के बाद आपके पास एक मरल होता है एम डी कैट का जिसका सिलेबस जो है वो आपका सीआई से डिफरेंट होता है जिसका पेपर पैटर्न भी सी से डिफरेंट होता है जिसका पढ़ने का स्टाइल भी मुख्तलिफ होता है जिसको मेमोराइज़ ज़्यादा करना होता है और कंसेप्ट बेस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जो आपने ए लवस में जिस तरह आपने एक ट्रैक बनाया होता है कि आपने कंसेप्ट ले लिया और उसके तहत आपने पेपर करके आ गए बट ऐसा यहाँ पर नहीं है इसमें तमाम जो आपका पैटर्न है वो एम सी क्यू बेस्ड होता है एम सी क्यू बेस्ड होने में कंसेप्ट तो शामिल होंगे लेकिन ये कंसेप्ट आपको मेमोराइज होने चाहिए मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई हेल्प आपको मिल जाए और उस हेल्प से आपने उस एम सी क्यू का आंसर कर दिया लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जैसे आपके पास ए लेवल्स में बुकलेट वगैरह होती है या कैलकुलेटर वगैरह होता है जो कि आपको हेल्प करता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता केमिस्ट्री के अंदर आपको पीरियोडिक टेबल चाहिए होता है चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल गिवन नहीं होगा पीरियोडिक टेबल आपको याद करके जाना होगा तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको एम के जब आप कोर्स करते हैं तो उसके अंदर टीचर गाइडलाइंस देता है कि इसको आप आसान कैसे कर लें करना तो है लेकिन आसान कैसे कर लें फॉर एग्जाम्पल नुमेरिकल एम फिजिक्स के विदाउट कैलकुलेटर करना है कैसे करेंगे अगर आप उसको नहीं करेंगे छोड़ देंगे तो फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो लाजमी है कि करना तो है आपने अब उसको कैसे करना है वो आपको भी टीचर गाइडलाइंस देते हैं तो एम कैट की जो प्रिपरेशन है वो एक आपने बहुत सोच समझ के करनी है सेल्फ़ प्रिपरेशन बिल्कुल बहुत ज़रूरी है सेल्फ़ प्रिपरेशन अगर नहीं हुई तो फिर तो टीचर जाके पेपर तो कभी नहीं देगा लेकिन गाइडलाइंस जो कि ऑन ट्रैक होती है जिसमें आपको सही तौर पे ये बताया जाए कि क्या चीज़ पढ़ के जानी है किन चीज़ों की तैयारी करनी है तो वो बहुत ज़रूरी है इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत आपको लाजमी पड़ती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त तो जैसे क्राइटेरिया बहुत शेक शेक हुआ हुआ है कि इसमें जो है वो क्लेरिटी नहीं है कि आप जो है वो आ, फेडरल बोर्ड पढ़ें पंजाब बोर्ड पढ़ें या सिंध बोर्ड की बुक पढ़ें इवन आप टेक्सट बुक भी एक बुक ले नहीं चल सकते तो आपने अगर मल्टी टेक्सट बुक को आ, कवर करना है तो वो कैसे करना है इतने कम टाइम में लेट सपोज आपका नाइनटीन मई तक आपका पेपर है तो पेपर कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो दिन है अगर वो फिफ्टी अगस्त तक लगाया जाए तो दो महीने और अगर आगे डेट बढ़ जाती है सितंबर हो जाता है तो फिर तीन महीने होंगे तो दो तीन या चार महीने में आ, आप इतनी सारी टेक्स्ट बुक को गो थ्रू कैसे करेंगे किस तरह अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर बिल्ड करेंगे और फिर जिस तरह मैंने कहा कि इनको मेमोराइज करना ज़रूरी होता है इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है तो ये तमाम चीज़ें कैसे होंगी तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस चाहिए होती है फिर करना आप नहीं होता अल्टीमेटली आप करेंगे आप अगर नहीं करेंगे तो फिर पेपर आप कैसे देंगे जाकर तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है कि अभी वो पेपर सी आई के जैसे ही फ्री होते हैं तो उनको इन तमाम चीज़ों में प्लानिंग करनी है चीज़ों को तैयार करना है और कोशिश करनी है कि वो कहीं पर भी कोई चीज़ मिस ना कर जाएँ क्योंकि ये बड़ा अहम एयर होता है ए टू के बाद जो आपका ये साल है इसमें अगर एम बी बी एस और बी डी एस में एडमिशन लेना है तो ऐसा ना हो कि ये साल ज़ाया करना पड़े गैप ईयर लेना पड़े और फिर नेक्स्ट ईयर हमें जाना पड़े तो एक साल बहुत अहम रखता है कि एक साल का टाइम पूरा ज़ाया हो जाए तो ये वीडियो मेरी आ, उन तमाम एलवस के स्टूडेंट्स के लिए थी जो कि इस साल एम बी बी एस या बी डी एस में अप्लाई करना चाह रहे हैं इसके अलावा अगर कोई अपडेट्स होती है तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे फिलहाल सिलेबस आपका पी ने अपनी वेबसाइट पर बताया हुआ है आप उसी को फॉलो करें कोई चेंज होता है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे जजाक खैर वालेकुम